क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 यानी कि एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। पहला सवाल कहता है कि निम्न कथनों में से कौन सत्य है कौन असत्य है, अपने उत्तर की जांच के लिए कारण भी दीजिए। मतलब कारण बताओ, नोटिस पहले से मिला है, पहले तो आप ये बताओ कि ये कहानी सही है कि गलत है। और अगर आपने कह दिया खुदा ना खास्ता कि सही है तो बताओ बच्चा क्यों सही है, अगर आपने कह दिया गलत है तो फिर क्यों गलत है। मतलब ऐसे कह के आप छुट्टी नहीं पाने वाले हैं, तो मैं उसको पूरी तरह से यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, एंड तक देखना वीडियो, स्किप मत करना। कह रहा कि एक बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, कमाल की बात करता है। कह रहा कि एक बिंदु से सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया पूरा कॉन्सेप्ट कि बच्चा एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप किसी भी तरफ को रेखा खींच सकते हो, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, यानी ये कहानी जो है वो असत्य है। क्या होगा ये असत्य है, फाल्स है ये लाइन, आप लिख देना असत्य, ब्रेकेट में लिखना एक बिंदु से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए ये गलत है। दूसरा ध्यान से देखो, बहुत ही प्यार से देखना, कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, मतलब इसकी खोपड़ी ही उल्टी है, हर जगह उल्टा बोल रहा है। दो भिन्न बिंदु मतलब दो अलग अलग बिंदु, आपको मैंने बताया था जब तक आप अकेले हो तब तक आज़ाद हो, जहाँ आप एक से दो हुए ना तहाँ आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्यों देर में आए, है ना, आप समझ गए ना। तो जब दो हो जाएंगे तो क्या होगा, लिमिटेड हो जाएंगे, फिर यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, मुर्गी की दौड़ घूर तक बस। तो इतना जान लो कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, बस रेखा, समझ गए ना, बाकी आप टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर कर दोगे कहीं को अलग बात है। तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो गया दो। तीसरा देखो क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो ऑनलाइन देखना, अगर पढ़ना है तो डाउनलोड नहीं करेगा कोई भी बच्चा वीडियो, अगर आप वीडियो को यूट्यूब पे किसी भी माध्यम से कहीं भी डाउनलोड करते हो तो फिर आपको हमारी क्लास नहीं मिलेंगी, याद रखना, सिर्फ कुछ ही वीडियो मिलेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप ईमानदारी से चाहते हो कि हम पूरा मैथ फ्री में यूट्यूब पे पढ़ पाएं तो वीडियो डाउनलोड ना करो, ऑनलाइन देखो, इंटरनेट नहीं है तो मत देखो, अगर कोई समस्या है तो नंबर पर संपर्क करो, हल किया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन देखो, ठीक ना। अगले के इसमें जो पॉइंट है ध्यान से देखो क्या कहते हैं, कह रहा कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। पहले तो इनका नाम लेना सीख लो बच्चा लोग, शांत रेखा जिसे आप देख रहे हो ना, जिसे आप अपनी भाषा में रेखाखंड बोलते हो, उसको जो यूक्लिड बाबा थे, यूक्लिड बाबा उसको रेखाखंड बोलते थे, क्या बोलते थे, रेखाखंड बोलते थे, उसको शांत रेखा कहा जाता है, यानी हम जिसे रेखाखंड बोलते हैं उसी को यूक्लिड बाबा शांत रेखा कहते थे, ठीक। तो ये शांत रेखा है, मतलब रेखाखंड को ही शांत रेखा कहा जाता है, ये समझ लो। तो अगर कोई रेखाखंड है तो आप पढ़े हो कि रेखाखंड दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, रेखाखंड दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ये कथन जो है सत्य है, इसे लिख दो सत्य है, ब्रेकेट में लिख देना, क्योंकि रेखाखंड को अनंत तक दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। अगला कह रहा है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये तो ऐसे हुआ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अभी तक इनकी पहचान होती थी वृत्त महाराज की कि बराबर, अगर वृत्त की बात हो कि अगर दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं तो वृत्त बराबर होगा, लेकिन ये तो उल्टा बोल रहा है, कह रहा है अगर त्रिवृत्त बराबर है तो त्रिज्या बराबर होगी, क्या सीधी सी बात है। देखो क्या होता है, अगर दो वृत्त मैंने खींचा ऐसे, हाँ बहुत ध्यान से देखो, इसमें त्रिज्या क्या होती, ये होता जो बीच में स्थित बिंदु होता है उसे केंद्र बोलते हैं, और केंद्र से जो परिधि को मिलाती है ये रेखा त्रिज्या कहलाती है। अब ये किसी भी तरफ को मिला सकती है, वृत्त बराबर होंगे तो आप ये अनुमान लगा लो बच्चा लोग कि जो ये रेखा ऐसे मिलाओगे वो कहाँ जाएगी, ये मैंने यहाँ से मिला दिया था, ये मैंने ये बनाया था, ठीक है, ये बराबर होगा कि नहीं सोचो, अगर दोनों गोला बराबर है और गोला के बीचों बीच केंद्र से कोई रेखा खींचते हो दोनों बराबर होगी ना, होगी, देख लो करके, ठीक है। तो लिख दो सत्य, सत्य, कारण क्या है, क्योंकि बराबर त्रिज्या की, बराबर त्रिज्या वाली वृत्त हमेशा बराबर होती हैं, कारण लिख देना, क्योंकि बराबर त्रिज्या वाली वृत्त हमेशा बराबर होती हैं। जल्दी करो, फटाफट नोट करो बच्चा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पांचवा देखो क्या कहता है, अगला नंबर देखो, कह रहा है कि आकृति 5.9 में पांचवा पार्ट है इसमें का, पहला का पांचवा और लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट 5.9 में, यदि ए बी इक्वल पी क्यू और पी क्यू इक्वल एक्स वाई तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, हाँ बिल्कुल होगा। देखो कैसे, आकृति 5.9 यही है जो मैं बनाया हूँ, इसमें कह रहा कि ए बी के बराबर है कौन, ये पी क्यू बराबर है, तो मान लो बच्चा ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, यही बोल रहा है ये,
और ये फिर क्या कह रहा है, आगे देखो, आगे कह रहा है ए बी पी क्यू के बराबर है, हमने कर दिया, ए बी पी क्यू के बराबर हो गई, दोनों पाँच पाँच हो गई। फिर आगे कह रहा कि पी क्यू जो है एक्स वाई के बराबर है, तो बच्चा ये जो पी क्यू है वो एक्स वाई के बराबर है, यानी ये भी कितना है, फिर पाँच ही है। तो फिर लास्ट में बेवकूफ़ बना रहा, कह रहा फिर क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, हाँ सिंपल सी बात है होगा, देखो यहाँ से कहानी देख लो, सब पाँच पाँच है ना। तो समझ गए, इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जब सवाल नंबर सेकंड है, आप ध्यान से देखो तो आपकी सवाल में ऐसे बहुत बड़ा सा सवाल लिखा है, उसमें कुल मिला के यही करना है कि जो नीचे कुछ आपको पॉइंट दिए गए हैं उनको डिफाइन करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा ज्ञात कीजिए, मतलब डेफिनेशन दीजिए। अगर मैं पूरा सवाल पढ़ के सुनाता हूँ तो आगे भी सुन लो, आगे क्या लिखा है, परिभाषा दीजिए। उसके बाद कह रहा कि क्या इनके लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं या कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो पहला नंबर है बच्चा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं पहले आप इसे अच्छे से समझ लो, फिर लिखना या ना लिखना ये आपकी मर्जी है। देखो समांतर रेखाएं अक्सर होती क्या है एक्चुअल में, जैसे मैंने ये दो पेन कर दिया ना, तो ये समांतर रेखा है। आपने रेलवे की पटरी देखा होगा, हमेशा ऐसे होती है, ऐसे तो नहीं होती ना एक पटरी इधर को एक इधर को, नहीं ऐसे होती ना रेलवे की पटरी, हमेशा क्या होती, समांतर होती है। जैसे देखो ये दो, ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। अभी इन्हें परिभाषा लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। इनको बच्चा चाहे जिधर को बढ़ाओ और चाहे जितना बढ़ाओ, ये कभी भी एक दूसरे पर चढ़ेंगी नहीं, मतलब एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। इसके विपरीत वह रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने के बाद एक दूसरे को ऊपर चढ़ जाती हैं भैया, ये इसको मैथ की भाषा में चढ़ना नहीं बोलेंगे, प्रतिच्छेदित बोलेंगे, हाँ इंटरसेक्ट बोलेंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आपको क्या समझ में आए इन दोनों में, वह रेखाएँ जो कभी नहीं मिलती हैं, वह रेखाएँ जो एक दूसरे में कभी नहीं मिलती हैं वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। लिखो कॉपी खोल के, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा आज, याद रखना। देखो प्रशांत जी जुड़े हुए हैं, अनुष्का और कौन है भैया, प्रीति और मोहित, मैं देख पा रहा हूँ सबका कमेंट, मैं किसी का कमेंट नहीं बोलूंगा। अगर पढ़ना है तो प्यार से पढ़ लो, लिख लो, सोचो कि हम सबका कमेंट बोलें तो फिर हो गई पढ़ाई। हाँ तो समझ गए, वह रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसका एक एग्जांपल सीढ़ी है आपके घर में, अगर आपके घर में बांस वाली सीढ़ी जिस पर चढ़ते हो तो उसमें डंडे जो हैं देखो समांतर क्रम में ऐसे लगे रहते हैं। हाँ बाकी लंबवत रेखाओं का एग्जांपल ये है, समांतर को इंग्लिश में पैरेलल लाइन कहते हैं, जबकि लंबवत को इंग्लिश में परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो ये होंगे इसके एग्जांपल और इनके परिभाषाएं, आप इन्हें फट से लिखो। इनका एक और परिभाषा आप सुन लो, ये लंबवत रेखा का, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि सरल रेखा मतलब जो सीधी रेखा पहले से खींची है, इस पे समकोण बनाने वाली रेखा लंब रेखा कहलाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सरल रेखा पर समकोण बनाने वाली रेखा लंब रेखा कहलाती है, मतलब जो 90 अंश बना दे सरल रेखा पर। ये हो गई। एक दूसरी परिभाषा ऐसी हो सकती है कि सरल रेखा पर गिरने वाली वो रेखा जो दोनों ओर कोण बनाती है, ये सरल रेखा पर गिरने वाली वो रेखा जो दोनों ओर कोण बनाती है, इधर भी कोण बनाती है, इधर भी बनाती है, यहाँ यहाँ, वो लंब रेखा कहलाती है। तो लिख लो, सरल रेखा पर गिरने वाली वह रेखा जो सम कोण बनाती है लंब रेखा कहलाती है। ध्यान दीजिए, रेखाखंड एंड की, मतलब इसे ऐसे कह सकते हो बच्चा, लाइन सेगमेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल, इसकी डेफिनेशन कैसे बताएंगे, परिभाषा कैसे बताएंगे। देखिए इसका एक डेमो देखिए, अगर ये ए बी एक रेखा है और इसके बीच में कोई मैं एक पार्ट काट डालूं, इसको निकाल लूं, पी क्यू मैंने इतना काट के निकाल लिया और ये पी क्यू मैंने निकाल के यहाँ बचा, इसको बच्चा स्थापित कर दिया, तो ये जो पी क्यू है वो क्या है, ये रेखाखंड है। ए बी पूरा क्या था, एक रेखा थी, और ये पी क्यू क्या है, एक रेखाखंड है। हाँ इसमें अंतर होता है, ये दोनों तरफ को इसमें एरो होता है, दोनों तरफ को एरो होता है, इसका मतलब ये दोनों तरफ को बढ़ती है रेखा, अनंतता को बढ़ती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, बात समझ में आई, नॉन लिमिट। लेकिन रेखाखंड में कभी भी किसी भी तरफ एरो नहीं होता है, इसका ये निशानी होती है कि टुकड़ा होता है एक, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो कि रेखा के किसी भी भाग को रेखाखंड कहते हैं। अगला है वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आप लोग लिख लो, परिभाषा लिखना है बच्चा किताब में, यही कहा है आपके सवाल में, 9th में नोट करो, मुंह फैला के देखो मत, कॉपी किताब लेके आया करो, नहीं बहुत मार पड़ेगी, जान लो
अभी पता है ना कि ऑनलाइन में पढ़ रहे हो इसलिए नहीं पढ़ रही ना, नहीं बहुत पढ़ती है जानते हो ना। देखो इधर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, पहले तो आप वृत्त देखो, ये क्या है, एक वृत्त है जिसे इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं ना। तो बच्चा इसमें त्रिज्या परिभाषा करना है तो पहले त्रिज्या बात करते हैं, जो बीचों बीच में होता है उसे केंद्र बोलते हैं, सेंटर, और ये लाइन जो होती त्रिज्या कहलाती है। लेकिन पहले कुछ परिचय तो हो जाए। ये सेंटर है बीचों बीच में जो है, केंद्र हिंदी में केंद्र, इंग्लिश में सेंटर, इसे जो चारों तरफ घूमा है इसे इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, हिंदी में परिधि बोलते हैं। हाँ, तो क्या कहोगे इसकी परिभाषा क्या होगा, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। लिखो, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो ये आपके जो सवाल थे ना उसमें के चार डेफिनेशन हो गए बच्चा। इसमें एक और पूछा है लास्ट में, वर्ग, वर्ग पूछा है, बड़ा आराम से इसका परिभाषा आप दे लोगे, चलो भर से लिख लो इसका भी। वर्ग क्या होता है, देखो वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, व्हाट इज स्क्वायर, तो बच्चा स्क्वायर जो होता है ऐसा होता है ये बच्चा, बहुत सीधा साधा होता है ये, कब बोलूँ समझ में आ रहा ना। देखो वर्ग, इसकी ये भुजा अगर दो है तो ये भी दो ही होगी, ये भी दो होगी और ये भी दो होगी। इसकी परिभाषा कैसे दोगे वर्ग की, आप लिखोगे एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं वो वर्ग कहलाता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं वो वर्ग कहलाता है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सारा जो पार्ट था वो क्लियर हो चुका बच्चा। तो आज हम पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से देखो, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, क्या कहता है, जो कहता है वो आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि ए सी इक्वल हाफ ए बी। देखो ये है बच्चा लोग एक्सरसाइज आपका 5.1 क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ। तो देखो हम इसको इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं, हमने इसे बना लिया। कह रहा है कि ए और बी के बीच में एक बिंदु है सी, हमने कर लिया सिद्ध करने को। कह रहा कि ए सी जो है बच्चा लोग वो क्या है, हाफ ए बी के बराबर है, और यहाँ एक कंडीशन दिया है ये कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, मतलब कि ए सी यहाँ से यहाँ जो है ये बी सी के बराबर है, यानी इनका कहने का मतलब ये इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, तो चलो देखो सिंपल सी बात है, हम इसी से चलते हैं। हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर हमें ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी, तो यहाँ आप लिखो ए बी इक्वल, आप जानते हो ए सी धन ये बी सी होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना भैया। अगर हमें पूरा निकालना है, पूरा ना, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ के भी तो निकाल सकते ना। इसको ऐसे समझ लो, जैसे अगर मान लो ये पूरी दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर है, कितना है 4 है, और ये मान लो कि खुदा ना खास्ता ये दोनों अलग अलग पार्ट में है, ये 2 है और ये भी क्या है 2 है ना, मतलब पूरा टोटल 4 है, तो ये आधा 2 होगा, आधा 2 होगा ना, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, चाहे तो ए बी का मान, यानी पूरा का 4 रख दें इधर और इसका 2 रख दें, तब भी तो बराबर होगा ना, होगा ना, कर सकते हैं ना। तो ये इस तरह से हो गया, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, 4 2 इसको आपको नहीं लिखना है। हाँ, अब देखो क्या होगा आगे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो इसको, क्या है इसका पूरा कहानी। अब यहाँ पे चूंकि दिया है ए सी इक्वल बी सी दिया है, यानी ए सी की जगह पर आप बी सी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, और भी कुछ लिख सकते हो क्या, ए सी की जगह पर बी सी, तो चलो कर लेते हैं। देखो ए बी इक्वल ए सी की जगह पर हम क्या लिख लें, बी सी। देखो इसमें जो सिद्ध करना है थोड़ा सा अलग है, क्या यार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सी इक्वल हाफ ए बी, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, चलो लिखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम बी सी की जगह पर ए सी लिख सकते हैं, तो हमारा ये तो ए सी पहले था वैसे हो गया, इस बी सी की जगह पर हम ए सी लिख देंगे। तो आप समझ गए अब कि ये ए बी इक्वल हो जाएगा 2AC, इतना तो आपके दिमाग में घुस गया होगा। तो बच्चा लोग आप जानते हो यहाँ ए बी बराबर 2 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा बराबर ए सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये आपका उत्तर आ गया। लेकिन आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, ये तो 1/2 है ही नहीं, तो है इसमें 1/2, इसे आप ऐसे लिख सकते हो ए सी इक्वल 1/2 इंटू ए बी,
ये लिख सकते हो, चाहे बीच में गुणा का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर इसका गुणा करोगे तो फिर वैसे हो जाएगा, ए बी अपन टू हो जाएगा, लेकिन हमें सिद्ध इस रूप में करना था इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ लिख दो इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो था फोर वाला हो गया। अगला देखो, देखो अगला सवाल कह रहा है कि प्रश्न चार में, यानी कि जो अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर फोर, उसमें सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि मिडल पॉइंट है, वो बात आपने समझ लिया था बिल्कुल है, मध्य बिंदु है। आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, मतलब एक से अधिक मध्य बिंदु नहीं होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ है उसमें कहें कि इसका मध्य बिंदु बताओ बीचों बीच कहाँ होगा, तो एक ही जगह होगा, एक से अधिक तो नहीं होगा, लेकिन इनको सिद्ध करके दिखाओ। तो सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, देखो जैसे अगर मान लो कि किसी को सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि वो चोर है, मतलब वो चोर है, तो क्या करोगे आप, उसका प्रूफ उसे पकड़ोगे चोरी करते समय, तभी तो आप सिद्ध कर पाओगे चोर है ना। या फिर किसी को सिद्ध करना है कोई ईमानदार है, तो क्या करोगे आप, उसे उल्टा मानोगे कि वो चोर है। हाँ, उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें चोर के लक्षण ढूंढोगे, बुराइयाँ ढूंढोगे, अगर उस तरह से मिलते हैं तो मतलब चोर है, नहीं तो ईमानदार है। तो वैसे ये कह रहा है कि इसके एक ही मध्य बिंदु है, हम मानते हैं कि चलो इसके एक से अधिक मध्य बिंदु है, हम इसको परखते हैं। तो हमने मान लिया कि माना इसका, आप लिख लो, माना डी इसका एक दूसरा मध्य बिंदु है, ठीक है, इसे आप लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, लेट डी इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओके। तो अगर हम इसका एक मध्य बिंदु D मान लें तो क्या हो जाएगा, आप बताओ, हम C को अनदेखा कर दे रहे हैं, C मान लो है ही नहीं, तो क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा बच्चा लोग, आप जानते हो, ए बी बराबर आपका ये हो जाएगा, लेकिन हमें ए बी निकालना भी है, ए डी, एक मिनट रुके रहो, A और D, ए डी बराबर क्या होगा, हाफ ए बी होगा, बोलो होगा कि नहीं। अब आप कहोगे ये कैसे होगा, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये अभी आपने समीकरण जो चौथा सवाल था उसमें क्या सिद्ध किया था, ए सी इक्वल वन अपान टू ए बी, बोलो सिद्ध किया था कि नहीं, अभी अभी सिद्ध किया था ना, सिद्ध किया था ना, जब आपने इसको डी को नहीं माना था सी को माना था, तो आपने सिद्ध किया था ए सी बराबर एक बटा दो ए बी, सिद्ध किया था ना, हमने कौन सी बुराई किया, आपने सी की जगह पे मध्य बिंदु डी मान लिया, तो जब डी मान लिया तो सी की जगह पे डी हो गया, ये इतना हो गया, हो गया ना, इसको लिख लो फटाफट, ये समीकरण दो हो गया, क्या हो गया, ये समीकरण दो हो गया। अब समीकरण एक और दो से आप देखो, तो समीकरण एक और दो में बच्चा लोग इसका राइट साइड बराबर है, देखो इधर भी वही है, यहाँ भी वही है ना। तो अगर किसी के समीकरण के एक पक्ष बराबर है दूसरे समीकरण के, तो उसका दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखो जल्दी से, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से लिख दो जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल ए डी, मतलब ए सी जो है वो ए डी के इक्वल हो गया। अब क्या सिद्ध हो गया कि नहीं, हाँ, अब देखो सिद्ध कैसे हो गया, कहने का ये मतलब है कि ये चाहता है कि जो ए सी है वो ए डी के बराबर है, मतलब ए सी वो ए डी के बराबर है। इसका कहने का यह मतलब है कि दोनों का जो मध्य बिंदु है वहीं पर जा रहा है वो, अगर ये अलग अलग आया होता तो सिद्ध हो जाता कि ये मध्य बिंदु है, लेकिन जो एसी है, एसी उसी के बराबर एडी है, एडी का कोई अलग से मान नहीं आ रहा है, देखो हो गया बराबर ना। यानी अगर एसी हम बोलें बच्चा लोग ये 5 सेंटीमीटर था, तो एडी बोल रहा है कि हम भी 5 ही सेंटीमीटर रहेंगे, उससे कम नहीं होंगे। तो अगर एसी 5 था तो एडी 5 कैसे होगा, सोचो, हो सकता है क्या, नहीं होगा ना भाई, अगर यहाँ तक 5 है तो यहीं तक 5 कैसे होगा, ज़्यादा होगा ना वो, यानी ये एक्सपेंड करना चाहता है, समझ गए ना। अब नीचे लिख लो, इससे सिद्ध होता है कि एसी और एडी एक ही जगह है, और किसी भी मतलब संख्या रेखा का, या फिर ऐसे कह लो किसी भी रेखाखंड का एक से अधिक मध्य बिंदु नहीं हो सकता है, ठीक है, इसे जल्दी से लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, बहुत ही आसान सवाल है, एकदम आसान है, इससे ज़्यादा आसान सवाल आज तक कहीं हुआ ही नहीं। देखो सवाल में क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। कह रहा है कि आकृति 5.10 में यदि AC इक्वल BD है तो सिद्ध कीजिए AB इक्वल CD। आकृति जो कह रहा है ना, यही आकृति की बात कर रहा था, बुक में ये चित्र बना था इसलिए इसको ऐसा लिखा था, मैंने यहाँ बना लिया। हाँ, इसमें कह रहा कि यदि AC BD के बराबर है, AC बराबर है BD के, बच्चा ध्यान देना, मतलब ये जो AC है
वो बी डी के बराबर है, यानी जितना ये ए सी है उतना ही ये बी डी है, ऐसा ये कह रहा है। हाँ, तो क्या करोगे अब, ए सी और बी डी के बारे में बोल रहा है तो ए सी बी डी निकाल लो। चलो ए सी बराबर हम निकालेंगे, ए और सी इसको किनारे कर दो हम इतना अगर लें, तो आप ये सोचो कि अगर इसके बीच में एक टुकड़ा है तो ए सी बनाने में क्या क्या प्रयोग हुआ। भाई ए बी और धन बी सी ना, तो बच्चा इसे लिख सकते हो ए बी धन बी सी, ये समीकरण एक। उसके बाद अगला अगर हम बात करें तो क्या है, बी डी, बी डी। अब बी डी बनाने में क्या क्या उपयोग हुआ भाई, ये इतना बी डी देखो, बी सी और सी डी ना, तो क्या लिखोगे, बी सी धन सी डी, ये हो गया समीकरण दो। क्या करोगे, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, चूंकि कह रहा था कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, तो बच्चा समीकरण एक व दो से क्या करोगे, ए बी व, ऐसा नहीं लिखो, थोड़ा गड़बड़ लग रहा मुझे ये, ऐसा सही नहीं है, आप पहले लिखो इधर साइड में लिख लो, यहाँ कम अच्छा लग रहा, नीचे सही नहीं है। इसके बाद यहाँ लिखो, लिखो चूंकि ए बी इक्वल सी डी, ये दिया है भाई, ब्रेकेट में लिख लो, चाहे दिया है, दिया है, इसलिए ए बी का मान रख दो बच्चा, ए बी सी डी के बराबर है ना। हमने निकाला किसका मान है, ए सी का निकाला है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ए सी बी डी के बराबर है, ए बी नहीं दिया होगा इसमें, ये देखो ए सी, ए सी बी डी के बराबर है, तभी तो मैं कंफ्यूज हो गया बच्चा। हाँ, ए सी किसके बराबर है, बी डी के, हाँ अब ठीक है। तो ए सी का मान यहाँ से ला के रख दो, ए बी धन बी सी बराबर बी डी का मान भी ला के ढकेल दो इसमें, बी सी धन सी डी, क्या है, बी सी धन सी डी, ये क्या है, दिया गया था, हाँ दिया गया था ना। अब क्या, अब तो सिंपल सा है यार, ये देखो ए बी है, ये बी सी है, ये बी सी है, यानी आप बी सी से बी सी काट सकते हो, चूंकि इधर आएगा तो माइनस से घट जाएगा, इस तरह से आपके पास बचेगा ए बी बराबर सी डी। नीचे लिखो इति सिद्धम, इति सिद्धम, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। कितना आसान है भाई, एक चित्र दिया था, इसमें ये सब कुछ बोला था, बनाया था, मुझे कुछ नहीं करना था। हमने क्या किया, ए सी और बी डी का मान निकाल लिया, तो ए सी निकालने के लिए हमने ए बी और बी सी जोड़ा। भाई सिंपल सी बात है, अगर ए सी निकालेंगे तो बीच में है तो दोनों आधा आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा पूरा, इस तरह से करके ले जाके मान रख दिया, हो गया। फटाफट नोट कर लो बच्चे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, क्योंकि आप ये क्लास देख रहे हैं पी वी आर स्टडी के फेसबुक पेज और पी वी आर स्टडी के यूट्यूब चैनल, मतलब से बंद। क्या कहता है जरा ध्यान देना, बड़ा ही अटपटा सवाल है ये, बड़ा टेंशन वाला सवाल है, लेकिन मान लो एग्जाम में आ गया खुदा ना खास्ता, तो आप इससे कैसे निपटोगे, मैं वो तरकीब आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सवाल कहता है कि यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित पांच जो है वो एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। अब आपको ये नहीं पता कि यूक्लिड का है, अभिगृहित का है, ये अभिगृहित पांच क्या है, तब तो कुछ नहीं समझ पाओगे। हाँ, लेकिन आगे एक और भी चूतिया बना रहा है, एक प्रकार से बेवकूफ बना रहा है आपको, कह रहा कि ध्यान दीजिए यह प्रश्न पांचवी अवधारणा से संबंधित भी नहीं है, बड़ी विडंबना है। देखो फिर इसका कुल मिला के मतलब समझ लो, इसका कहने का यही मतलब है, पांचवी अवधारणा से जो निष्कर्ष निकलता है उसका यही मतलब है, जो वो कहता है कि पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। अब पूर्ण और अपूर्ण का मतलब समझो, जैसे भैया अगर हमने लिखा चार, तो चार को मैं लिख सकता हूँ तीन धन एक, लिख सकता हूँ ना, तो चार क्या है, ये पूर्ण है, ये क्या है, पूर्ण है। लेकिन जो तीन है और एक है, ये तीन और एक भी चार का एक भाग है, मतलब ये पापा हैं, ये इनके दोनों बेटे हैं। तो भैया बाप हमेशा बेटा से बड़ा होगा कि नहीं, बताओ, बड़ा होगा ना, तो इसमें कौन प्रमाण देने की ज़रूरत है, नहीं ना। एक बार और देख लो, जैसे अगर मैंने लिख दिया नौ, तो नौ को आप लिख सकते हो पाँच धन चार, मतलब ये क्या है, नौ एक पूर्ण है, मतलब पूर्ण संख्या मानो या कुछ भी, पूर्ण संख्या तो वो भी है, लेकिन हाँ ये एक बड़ा भाग है, और ये पाँच और चार इसके नौ के भाग हैं, दोनों पार्ट हैं, मतलब इसके लड़के बच्चे हैं।
तो भाई ये तो हमेशा बड़ा रहेगा कि नहीं, यही चीज़ ये बोल रहा है कि बताओ ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, हाँ बताओ क्यों होता है। तो आप नीचे क्या लिखोगे, हिंदी में लिख लो, क्योंकि पूर्ण का भी, क्योंकि पूर्ण का भी भाग दो, एक मिनट रुके रहो मैं देखने दो क्या है भैया ये, हाँ देखो इसमें निष्कर्ष जो ये निकला है, क्योंकि जो पूर्ण है उसका ही भाग दो जो अधूरे हैं वो भी हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो, इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि पूर्ण का भाग है वह पूर्ण से ही बना है, क्योंकि ये सभी क्या हैं, पूर्ण के ही भाग हैं और पूर्ण से ही बने हैं, अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण हमेशा अपने भागों से बड़ा होता है, इसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार पिता हमेशा अपने बच्चों से बड़ा होता है, तो इसके लिए कोई हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चीज़ ऐसे लिख लेना, एक बार फिर से सुन लो, एक बार फिर से सुन लो, इसको देखो पहले, कह रहा कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये भाई सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? तो नीचे आप लिखो, क्योंकि पूर्ण का जो भाग होता है वो पूर्ण से ही निकला होता है, ऐसे लिखो, क्योंकि पूर्ण का जो भाग होता है वो पूर्ण से ही निकला होता है। ये पूर्ण, पूर्ण बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये पूर्ण मतलब होल नंबर एक प्रकार से, अगर पूर्ण संख्या बोले तो लिखो, पूर्ण का जो भाग होता है वो पूर्ण से ही निकला होता है, इसलिए पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होगा, इस बात के लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। एक उसी प्रकार से जिस प्रकार बाप हमेशा बेटे से बड़ा होता है, इसकी हमें कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लिख लेना बस।